प्रेम साइजा आसंतु सुनिपा आजिर प्रशांति अनुचिंता आमे पूजा एवं उपासना करुथबा सेही शिव तत्व कण आमे पवित्र शिवरात्रि उत्सव पालन करिबाकु जाउथबा बेले भगवान आजि एक अविस्मरणीय उदाहरण सहित आमुक अति सुंदर रूपे प्रेमपूर्ण भावरे वर्णना करिछन्ते। शिवरात्रि सचेतन कराई थाए जे दिव्यत्व हेउछि सर्व परिव्याप्त जहाँ समस्त स्थान रे रहिछि। आमर दैनंदिन जीवन रो अभिज्ञता रे एपरी अनेक किछि घटना घटी थाए जहाँ प्रत्येक व्यक्तिक भीतर थिबा दिव्यत्व रो अस्तित्व को उन्मोचन करी थाए। गोटिए चलचित्र विषय विचार कर, परदा उपरे आमे बन्या प्लावित नदी देखु जहाँ आखपाखर सब किछि भसाई निए। जदिओ दृश्य टी बन्या जल रे पूर्ण होई रही थाए तथापि परदाटी सामान्यतम उदा हुए नाही। अन्य समय रे ठीक सही परदा उपरे आग्नेयगिरी भीतरु अग्नि उद्गिरण हेबार देखिथाउ, किंतु ताहा द्वारा परदाटी जल जाए नाही। सही समस्त प्रकार रो विषय वस्तु को दृश्यमान करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिबा परदाटी सेमानक मध्यरु काहा द्वारा मध्य प्रभावित हुए नाही। सही परि मनीष जीवन रे भल किंबा खराब, सुख किंबा दुख, जन्म किंबा मृत्यु इत्यादि आसीब एवं चली जीव, किंतु सेमाने आत्मा को प्रभावित करि पारिबे नाही। जीवन रो चलचित्र रे परदा हेउछि आत्मा, एहा ही शिव, एहा ही शंकर, एहा ही दिव्यत्व। एही तत्व को बुझी पारिले जणे जीवन को बुझी पारे, उपभोग करि पारे एवं सेथिरु पूर्णता खोजि बाहर करि पारे सक्षम होई पारिबो। उक्त दिव्य संभाषण दि भगवान फेब्रुवारी 17 तारीख 1985 मसीहा रे सूचाई देतिले। कहिबार तात्पर्य परिशेष रे समस्त रूप सेही अरूप भीतरे लीन होई जीव। शिव हेउछन्ति समस्त नाम रूप अस्तित्व ओ व्यक्ति विशेषंकर मोह को ध्वंस करिबार मूल तत्व। जय साईराम।